जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज, धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम गांधारी पर एक रोचक वीडियो लेकर के आए हैं। द्वापर युग के अंत की बात है। भारत के पश्चिम में एक विशाल राज्य था गांधार। उसका एक हिस्सा आज भी गांधार के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय गांधार राज्य पर राजा सुवल राज्य करते थे। राजा सुवल के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी रखा गया। राज संतान होने के कारण दोनों का लालन पालन राज के वैभव के अनुरूप होने लगा। युवा होने पर राजकुमारी गांधारी का रूप लावण्य ऐसा निखरा कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं तक लज्जित हो गई। खिले हुए कमल की तरह उसका सुंदर मुखमंडल और कमर के नीचे तक झूलने वाला घनी कुंतल केश राशि, ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी की सारी सुंदरता सिमट कर गांधारी में समा गई हो। किंतु गांधारी को अपने रूप का अभिमान कभी ना हुआ। बचपन से ही लोगों में विनम्र व्यवहार और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा तथा आश्रित जनों पर दया एवं सहायता जैसे सद्गुण उसमें समा गए थे। उसकी इस सुशीलता के कारण राज्य के सभी लोग उसे अत्यंत स्नेहमयी दृष्टि से देखते थे। जब राजा सुवल ने गांधारी की शिक्षा का प्रबंध कराया तो उसके गुरुजनों को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिनों में गांधारी ने कठिन से कठिन विषयों में प्रवीणता हासिल कर ली है। पुत्री की कुशाग्र बुद्धि तथा प्रतिभा की चर्चा राजा सुवल के कानों तक पहुंची तो वे गदगद हो उठे। गांधारी भगवान शंकर की परम भक्त थी। अपनी पूजा एवं तप द्वारा उसने शंकर भगवान प्रसन्न किया, जिसके कारण उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। अर्थात उन्होंने शंकर भगवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान प्राप्त किया था। इष्ट देव शंकर के दर्शन और उनसे प्राप्त वर से गांधारी कृतकृत हो गई। उस समय हस्तिनापुर के राजा थे पांडु। पांडु के एक भाई और थे धृतराष्ट्र। यद्यपि धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे, तथापि उन्हें राज सिंहासन पर इसलिए नहीं बिठाया गया क्योंकि वे अंधे थे। किंतु अंधे होने के बावजूद धृतराष्ट्र अत्यंत विद्वान और बहुत बलशाली थे। कहते हैं कि धृतराष्ट्र के शरीर में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों भाइयों में धृतराष्ट्र ही सबसे ज्येष्ठ थे। इस कारण युवा होने पर सर्वप्रथम उसी के विवाह के प्रयास किए जाने लगे। उन दिनों सुवल पुत्री गांधारी के रूप और गुणों की चर्चा चहुं कस्तूरी की सुगंध की तरह फैल रही थी। गांधारी पूरी युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, सो राजा सुवल भी उसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। गांधारी की प्रशंसा भीष्म पितामह ने भी सुन रखी थी। उन्होंने सभी दृष्टियों से गांधारी को कुरुवंश की बहू होने के उपयुक्त पाया और धृतराष्ट्र से उसका विवाह करने का प्रस्ताव लेकर एक राजदूत सुवल के यहाँ रवाना किया। राजा सुवल भीष्म पितामह का बहुत आदर करते थे, इसलिए दूत के मुंह से उनका संदेश सुन करके वे अति प्रसन्न हो उठे और बोले, हे दूत, तुम काफी दूर से आए हो, इसलिए थक गए हो। तुम जाकर अतिथि गृह में विश्राम करो। गांधारी मेरी एकमात्र कन्या है, अतः मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हूँ। फिर विवाह कोई साधारण बात तो है नहीं, इसलिए मुझे विचार करने के लिए थोड़ा समय दो।
इसी बीच में गांधारी से उसका मंतव्य भी जान लेता हूँ। दूत उन्हें प्रणाम करके अतिथि गृह की ओर चला। राजा सुवल यह मानते थे कि कुरुवंश से संबंध बनाना बड़े ही गौरव की बात होगी, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। लाड प्यार में पली सुंदर और नाजुक एकलौती बेटी को एक अंधे के पले बांध देने के लिए उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन इनकार करने से भीष्म पितामह जैसे दिव्य एवं प्रतापी पुरुष का अपमान होगा। यह सोच करके भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। आखिर जब वे खुद कोई हल ना सोच पाए, तब उन्होंने राज्यों के बड़े बूढ़े मंत्रियों को बुला करके इस विषय में उनसे सलाह मांगी। समस्या बिकट थी, मंत्रियों की बुद्धि भी चकरा गई, वे कोई उपाय राजा सुवल को ना सुलझा सके। राजा सुवल बेहद परेशान हो गए। उनकी यह परेशानी देकर एक दिन युवराज शकुनि ने इसका कारण पूछा तो राजा सुवल ने सारी बात बता दी। शकुनि बहुत चतुर एवं दूरदर्शी था। वह तुरंत ही बोला, आप इस रिश्ते के लिए बिना विलंब किए हाँ कर दीजिए। सुवल ने आशंका जताई, पर बेटा धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका वंश भी तो देखिए। जिस वंश में राजा ययाति पुरु दुष्यंत आदि महारथियों ने जन्म लिया, उस वंश का गौरव कितना होगा। दूसरे स्वयं धृतराष्ट्र महाबलशाली है, साथ ही ज्ञानी तो इतने हैं कि उसे समस्त वेद वेदांग कंठस्थ है। ज्ञानी लोगों की आंखें उनकी आत्मा में होती है, शकुनि ने समझाते हुए कहा। और इसके अलावा इससे हमें एक बड़ा फायदा और भी है। वह क्या? शक्तिशाली कुरुवंश से हमारा संबंध हो जाने के बाद हमारी शक्ति दो गुना हो जाएगी। तब कोई दुश्मन हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। शकुनि ने अपना तर्क रखा था। शकुनि के इस तर्क से राजा सुवल काफी प्रभावित हुए और बोले, बेटा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु गांधारी क्या एक अंधे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करेगी? इसकी चिंता ना कीजिए, गांधारी को मैं मना लूंगा। यह कहकर के युवराज शकुनि अपनी बहन गांधारी से मिलने के लिए चल पड़ा। जिस तरह शकुनि ने अपने पिता को समझाया था, उसी तरह धृतराष्ट्र के गुणों का व्याख्यान करते हुए उसने बहन को भी सारी बातें समझाई। साथ ही इतनी बात और जोड़ दी कि धृतराष्ट्र के नेत्र न होने से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि वह मेरी और तेरी कोई बात को टाल नहीं सकेंगे और ना ही कोई निर्णय स्वयं ले पाएंगे। जीवन के सारे निर्णय मैं खुद लूंगा। आंखों से ही रूप की लालसा उत्पन्न होती है। वैसे तो राज पुरुष कई कई विवाह करने को स्वतंत्र होते हैं। अंततः गंधारी ने भी हामी भर दी। जब राजकुल की अन्य स्त्रियों को भी मालूम हुआ कि गांधारी ने अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करने का निश्चय किया है, तब वे उसे धिक्कारने लगी और कुछ तो उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने लगी। किंतु गांधारी अपने निश्चय पर अटल रही, डीगी नहीं। उसने दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट कह दिया, पति चाहे अंधे हो या पंगु, पत्नी उसे अपना परम देव मानकर अगर उसकी सेवा करती है तो उसे परम सुख प्राप्त होता है। वैसा सुख वायु रूप नहीं प्रदान कर सकता। भक्त लोग पत्थर या मिट्टी की मूर्ति बनाकर ही भगवान की पूजा करते हैं।
उसमें भगवान का रूप प्रधान नहीं होता, प्रधान होती है भक्त की श्रद्धा। गांधार का तर्क सुनकर फिर आगे किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। हतप्रद से सब वहां से चले। उसी रात से गांधारी कपड़े की एक पट्टी अपने आंखों पर बांधने लगी। उसकी माता ने जब यह देखा तो आश्चर्य से पूछा, यह क्या कर रही हो बेटी? जो सुख मेरे पति को प्राप्त नहीं वह मुझे क्यों प्राप्त हो? पर अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है। सच्ची नारी का विवाह उसी समय हो जाता है जब वह किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस दृष्टि से धृतराष्ट्र मेरे पति हो चुके हैं, विवाह की औपचारिकता पूरी करने भर शेष है। लोगों ने गांधारी के पतिव्रत धर्म के महान आदर्शों की जब बात सुनी तो धन्य धन्य कर उठे। गांधारी ने समस्त नारी जाति को यह दिखा दिया था कि पत्नी को पति की अर्धांगनी क्यों कहा जाता है और अर्धांगनी का सही अभिप्राय क्या है। कुछ काल पश्चात धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विधि पूर्वक विवाह हो गया और पति के साथ वे हस्तिनापुर चले गए। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद गांधारी पति सेवा अतिथि सत्कार तथा गुरुजनों के प्रति आदर व्यवहार में कोई अंतर नहीं आने दिया। राज्य के चारों ओर उसके रूप गुणशील की प्रशंसा होने लगी। इसके कुछ दिनों बाद कुरुवंश के राजा पांडु वन में गए और अपनी पत्नियों के साथ संयमहीन जीवन व्यतीत करने के कारण वही वन में उनका देहांत हो गया। तब राजकाज चलाने की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र पर आ पड़ी। भीष्म पितामह विदुर और गांधारी की सलाह से धृतराष्ट्र राजकाज चलाते रहे। प्रजाजन भी सुखी थे। एक बार भूखे प्यासे महर्षि वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। गांधारी ने बड़ी लगन से उनकी सेवा की। इस सेवा से वेदव्यास उस पर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ गांधारी। तुम्हारे मन में अगर कोई कामना हो तुम इसे निसंकोच कहो। गांधारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं चाहती हूं कि मेरे पति के गुणों से युक्त 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। ऐसा ही होगा, कहकर महर्षि वेदव्यास चले गए। बचपन में यही वरदान भगवान शंकर से मांगने के बाद गांधारी ने दोबारा वेदव्यास से भी वही वर मांगा। वस्तुतः हर स्त्री की तरह उसे भी श्रेष्ठ एवं वीर पुत्रों की माता बनने की लालसा थी। गांधारी गर्भवती हुई, किंतु गर्भवती होने के 2 वर्षों बाद तक उसे किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह एक चमत्कार ही था। अंत में गांधारी ने बड़े कष्ट से अपने गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के जन्म लेते समय इतने अपशगन हुए कि राज्य के सभी बड़े बूढ़े विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह बालक अवश्य कुलांगार होगा, अर्थात कुल को नष्ट करने वाला होगा, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए। पर पूत कपूत होते हैं, माता कुमाता नहीं होती। अतः सबके कहने पर भी गांधारी ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया। युवा होने पर दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों की जड़ खोदने की कोशिश की तो गांधारी ने धृतराष्ट्र को चेतावनी देते हुए पुत्रों को ऐसा करने से रोकने का अनुरोध किया, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र प्रेम में पागल हो गए थे। उधर दुर्योधन अपनी मनमानी करता रहता और इधर वे चुपचाप बैठे रहते। इस पर गांधारी ने आखिर एक दिन कह ही दिया, इसी तरह अगर यह सब चलता रहा तो देखना, एक दिन तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। गांधारी अपने 100 पुत्रों की भांति ही 5 पांडवों को भी प्यार करती थी। महाभारत युद्ध के समय अगर वह चाहती तो अपने आंखों की पट्टी खोलकर अपने सत्यत्व की तेज से सभी पांडवों को भस्म कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों?
इसलिए कि उससे यह तथ्य छिपा नहीं था कि वास्तव में अन्यायी और अत्याचारी कौन है। युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार पाकर वह रणक्षेत्र में भी गई और अपने पुत्रों के शवों से लिपट लिपट कर विलाप करती रही। कुल का दीपक बुझने ना पाए इसलिए अपने सतीत्व के तेज से उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र निर्योधन के पूरे शरीर को वज्र के भांति कठोर बना देने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने निर्योधन से कहा, तुम मेरे सामने नग्न होकर गाना, मैं अपनी आंखों की पट्टी हटाकर तुम्हें निहारूंगी। सतीत्व तेज से युक्त मेरी उस एक दृष्टि से ही तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। अपनी माता की आज्ञा का पालन करने दुर्योधन एकदम नगन ही माता से मिलने जा रहा था, किंतु बीच में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ने लज्जा का वास्ता देकर छल पूर्वक उसे अपने शरीर के अधोभाग को केले के पत्ते से ढकने पर विवश कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां दुर्योधन का पूरा शरीर माता की दृष्टि तेज से वज्र सा हो गया, केले के पत्ते से ढका हुआ उसका कमर से लेकर जंघाओं तक का भाग ज्यों का त्यों सामान्य ही रहा। इतना ही नहीं, जब दुर्योधन के साथ भीम का निर्णायक गदा युद्ध चल रहा था, तब दुर्योधन का पल्ला भारी देख भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी जान थपथपाकर भीम को यह संकेत दिया था कि वह दुर्योधन के उस निर्बल स्थान पर वार करे, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर जो है वज्र का हो गया था और भीम के किसी वार का असर उस पर नहीं हो रहा था। तत्पश्चात भीम ने तब गदा घात से दुर्योधन की जान चूर चूर कर दी। जब गांधारी को दुर्योधन के मरने का समाचार प्राप्त हुआ तो वह क्रोध से विफर कर समस्त सृष्टि को भस्म करने पर आमाद हो गई। चारों ओर खलबली मच गई। भगवान श्री कृष्ण खुद भागते भागते गांधारी के पास पहुंचे और बोले, देवी गांधारी, आपने समस्त विश्व के सम्मुख त्याग और ममता का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक नया आदर्श स्थापित किया है। अगर आप इस संसार को समाप्त ही कर देंगी तो यह आदर्श किसके लिए हो? माता दयालु होती है, अतः तुम सब पर दया करो। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की छल प्रपंचमयी भूमिका किसी से छिपी नहीं रही। गांधारी को तो सब ज्ञात था, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे दिया। हे कृष्ण, तुमने जिस तरह मेरे कुल का नाश कराया उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी का श्राप काटने की शक्ति किसी में नहीं है, अतः उन्होंने हंसते हुए वह श्राप शिरोधार्य कर लिया। इसके बाद गांधारी अपने अंधे पति धृतराष्ट्र के साथ वन में चले गए। एक दिन वन में भीषण आग लगी। धृतराष्ट्र ने गांधारी से कहा, गांधारी, वन में आग लगी है, तुम आंखों की पट्टी खोलकर यहां से भाग जाओ। यो आप क्या कह रहे हैं नाथ? गांधारी ने आश्चर्यपूर्वक कहा, पति पत्नी की आधांगनी होती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि शरीर का आधा अंग तो भस्म हो जाए और आधे को आंच तक न आए? इन्हीं अग्नि देवता को साक्षी बनाकर मैंने एक दिन आपको पाया था अपने पति के रूप में, और आज उन्हीं के डर से मैं आपको छोड़कर भाग जाऊं? कदापि नहीं। धृतराष्ट्र के लाख समझाने पर भी गांधारी वहां से हिली तक नहीं। ज्वालाएं धू धू करके जलती हुई उनके निकट आ गई। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों एक दूसरे से लिपट गए। पल भर में ही अग्निदेव की लपलपाती जीवन उन्हें निगल गई।
गांधारी की भांति पति के आलिंगन में वध होकर सती होने का सौभाग्य भला कितनी महासतियों को मिला है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर आपको हमारी यह वीडियो रोचक लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।